नमस्कार दोस्तों, आज की इस एपिसोड में हम आपको महाभारत से जुड़ी कुछ बेहद और रोचक बातें बताने जा रहे हैं। हम आपको बताएंगे कि महाभारत के एक एपिसोड को बनने में कितना खर्चा आता था या एक एपिसोड की कितनी कमाई होती थी, महाभारत ने कुल कितनी कमाई की, महाभारत कब बना, महाभारत कितने से कितने सालों तक चला और महाभारत के कलाकारों को कितनी सैलरी दी जाती थी। रामायण के जैसी भारत का एक और सबसे बड़ा महाकाव्य महाभारत, जिसको बीआर चोपड़ा ने पर्दे पर उतारा। डीडी नेशनल पर प्रसारित किए जाने वाली महाभारत को पहले बीआर चोपड़ा फिल्म के रूप में प्रसारित करना चाहते थे, मगर इतनी लंबी गाथा को 3 घंटों में दिखाना बड़ा मुश्किल था, जिसकी वजह से उन्होंने सन 1988 में महाभारत को टीवी पर्दे पर उतारा। महाभारत का पहला प्रसारण 2 अक्टूबर 1988 को दूरदर्शन पर हुआ। बी आर चोपड़ा द्वारा निर्मित महाभारत उनके बेटे रवि चोपड़ा के निर्देशक में बनाई गई थी, जिसकी स्क्रिप्ट राही मासूम रजा ने लिखी थी, जो कि वेद व्यास की कहानी पर आधारित थी। महाभारत 2 अक्टूबर 1988 से हर रविवार को सुबह 11 बजे 45 मिनट के लिए प्रसारित किया जाता था। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसे ही रोचक भरे वीडियोस आपके लिए लाता रहता हूँ। महाभारत प्रति सप्ताह में एक ही दिन आता था। 32 साल पहले प्रसारित हुआ महाभारत 2 अक्टूबर 1988 से 14 जून 1990 तक चला। 2 सालों तक लगातार चले महाभारत का कुल 94 एपिसोड प्रसारित किए गए थे। महाभारत के पहले ज़्यादा एपिसोड थे, जिसको काटकर बीआर चोपड़ा ने 94 एपिसोड कर दिया था। महाभारत बनाने के 2000 पृष्ठों से भी अधिक की स्क्रिप्ट तैयार की गई थी। 2 साल की कड़ी मेहनत और 2 साल की शूटिंग करने के बाद यह महाभारत की कहानी खत्म हुई थी। महाभारत की ज्यादातर शूटिंग मुंबई के फिल्म सिटी में ही थी और कुरुक्षेत्र युद्ध के लिए इसकी शूटिंग जयपुर में हुई थी। महाभारत में 1000 से भी ज्यादा लोग काम करते थे, जिन्हें 15 दिनों के लिए लगातार जयपुर ले जाया करता था। हाईटेक फैसिलिटीज ना होने के बावजूद इसमें बेहद ही कमाल के सीन्स दिखाए गए थे। महाभारत का हिस्सा बनने के लिए 16,000 से भी ज्यादा लोग आए थे, लेकिन सभी का चयन नहीं हो पाया। महाभारत की कास्टिंग टीम ने शॉर्टलिस्ट करते हुए अनेक किरदारों को चुना था। उनमें से ही एक जूही चावला थी, उनको द्रौपदी के रोल के लिए चुना गया था, मगर उन्होंने अपनी दूसरी मूवी जिसका नाम कयामत से कयामत तक था, उसको चुनते हुए इस द्रौपदी की भूमिका अदा करने से साफ इनकार कर दिया था। मुकेश खन्ना को दुर्योधन की भूमिका अदा करने को मिली थी, मगर उन्होंने नेगेटिव रोल करने से मना किया, जिसके बाद उन्हें भीष्म पितामह का रोल मिला। अभिमन्यु का रोल के लिए गोविंदा का भी चयन किया गया था, मगर वो भी अपनी दूसरी मूवी के कारण इस रोल को नहीं कर पाए। अर्जुन का किरदार निभाने वाले फिरोज खान ने अर्जुन के कैरेक्टर से प्रभावित होकर खुद का नाम अर्जुन रख लिया था। महाभारत में श्री कृष्ण का रोल करने वाले नीतीश भरद्वाज को बेहद वाहवाही मिली थी, कुछ लोग तो उन्हें भगवान समझकर उनके पैर तक पढ़ लिया करते थे। भारत के दिलों में बसे महाभारत के कुल 94 एपिसोड के लिए 9 से 10 करोड़ रुपए लगे थे और इसके एक एपिसोड में 10 लाख रुपए का खर्चा हुआ करता था। दोस्तों, महाभारत के कुल 65 करोड़ की कमाई की थी और यह कमाई रामायण से बहुत ज़्यादा है। महाभारत की बढ़ती लोकप्रियता को देखते दूरदर्शन ने 10 मिनट के विज्ञापन के लिए 1 लाख लेने लगे थे, जो रामायण से बहुत ही ज्यादा है। महाभारत में बहुत से कलाकारों ने काम किया था, जिसके कारण एक एक सैलरी नहीं बताया जा सकती, लेकिन हम आपको इन सब के एवरेज सैलरी बता सकते हैं। दोस्तों, महाभारत में काम करने वाले कलाकारों को एवरेज 15,000 रुपये पर एपिसोड मिला करते थे। महाभारत में द्रौपदी की चीरहरण में 250 मीटर लंबी साड़ी का प्रयोग किया गया था। उन्होंने अपनी साड़ी के ऊपर 250 मीटर लंबी साड़ी पहनी थी। दोस्तों, महाभारत के इतने महंगे बजट में बनने के बाद भी इसने भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी प्रसारण करके करोड़ों रुपए की कमाई की थी। महाभारत के हर एक किरदार ने अपनी अहम भूमिका निभाई थी, जिसके कारण इसने इतना ख्याति विख्यात की। दोस्तों, महाभारत ने भी रामायण के जितना ही ख्याति विख्यात की थी और इसके एक एक एपिसोड ने अपना किरदार बेहद ही अहम भूमिका से निभाया था। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें और अगर आपने अभी तक नॉलेज टीवी भारत को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत।